हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग को रबर बैंड बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। मार्केट जैसा आप रबर बैंड घर पर ही बना सकते हो और आपको कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं है, केवल एक नॉर्मल इलास्टिक हो और कपड़ा हो। तो देखिए, हमने 19 इंच लंबी इलास्टिक ले ली है जो कि पजामी वगैरह में नॉर्मल हम डालते हैं, वो वाली इलास्टिक ली है। तो हम इसको डबल डालने वाले हैं और दो पीस हमने कपड़े के लिए हुए हैं। एक हमारा देखिए थोड़ा सा छोटा, एक बड़ा है, लेकिन आप बराबर भी ले सकते हो। और देखिए, हमने इसकी लंबाई 20 इंच के लिए है, चौड़ाई हमने 4.5 इंच के लिए है, और ये बड़ा वाला पार्ट है जो इसकी लंबाई हमने 24 इंच के लिए है और चौड़ाई हमें 4 इंच के लिए है। तो जो छोटा वाला पार्ट है 20 इंच वाला लंबाई वाला, उसे हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देंगे अंदर की साइड में फोल्ड करके। तो जो हमारा 20 इंच का पार्ट है वो आप इसे 30 इंच तक ले सकते हो, क्योंकि आपको बड़ा ही रखना है, छोटा नहीं रखना है बिल्कुल भी। जो हमारा इलास्टिक इसके अंदर जाएगी वो वाला पार्ट है। तो देखिए, इस तरीके से हम दोनों तरफ से इसमें सिलाई लगा देंगे। तो आप इसे जितना लंबा हो सके उतना ही लंबा लें, 20 इंच से ज़्यादा ही लें, कम ना लें बिल्कुल भी। तो देखिए, इस तरीके से हमने इस दोनों तरफ सिलाई लगा दी है उस वाले पार्ट पर। अब हमने दूसरा वाला पार्ट ले लिया है आपको। तो देखिए, इस तरीके से उल्टा पकड़ लेना है और इसे कोने से स्टार्ट करना है और थोड़ा सा तिरछा आपको लेना है, 1.5 इंच करीब तिरछा लेते हुए, और फिर से आपको सीधी सिलाई चला देनी है। देखिए इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो बीच में जैसे जैसे ये बीच में आता जाएगा वैसे आपको इसकी सिलाई वो थोड़ा सा कम कर देनी है, पतली कर देनी है। तो हम देखिए, इसके बीच सेंटर में बिल्कुल निशान लगा लेते हैं। तो ये इसका बीच सेंटर है। तो देखिए, अब हम इसको थोड़ा सा अंदर की साइड में सिलाई को लेते जाएंगे, थोड़ा सा लेते जाएंगे, ज़्यादा नहीं करना है, तो बिल्कुल आपके जो सीधी ना हो पाए। अब देखिए, फिर से हमने उस सिलाई को इस तरीके से तिरछा लेते हुए घुमा देते हैं और हमने सिलाई को निकाल दिया यहाँ से। अब देखिए, हम इसी साइड की साइड में सिलाई लगा लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने उधर साइड में लगाई थी। और इस तरीके से देखिए तिरछा लगाकर फिर हम सीधी सिलाई लगा देंगे। और थोड़ा सा हमने करीब देखिए करीब 1.5 इंच का हमने गैप इसके अंदर छोड़ा है ताकि हम इस पट्टी को सीधा कर सकें। तो अब देखिए, यहाँ से हम जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे दोनों तरफ से कट कर देंगे और जो हमने 1.5 इंच करीब का जो पार्ट छोड़ा हुआ है वहाँ से दोनों तरफ से इस पट्टी को हमें सीधा कर लेना है। तो बहुत ही इजी तरीके से ये सीधी हो जाएगी। तो आप देखिए, इस तरीके से इसे सीधा कर लीजिए। तो एक तरफ से हमने कर ली, दोनों तरफ से हमने इस पट्टी को सीधा कर लिया। अब देखिए, आपको यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। आप हाथ से भी, सुई धागे से भी लगा सकते हो। तो बिल्कुल किनारे किनारे आपको सिलाई लगानी है, ज़्यादा अंदर नहीं लगानी है, किनारे किनारे ऐसी लगानी है जो आपकी सिलाई दिखे ना ज़्यादा। तो देखिए, जो धागा है एक्स्ट्रा वो हमने कट कर दिया है। इस तरीके से हमारी जो पट्टी है वो रेडी हो चुकी है। अब देखिए, इसमें भी हम बीच में सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हमने लगा दी है, इसको भी हम सीधा कर लेते हैं। तो हमने देखिए इस दूसरे वाले पार्ट को भी सीधा कर लिया है। अब हम इलास्टिक ले लेंगे डबल करके। तो देखिए, इस तरीके से डबल कर ली है और इसमें हम डबल करके जो पिन है उसको हम डालेंगे और जो हमने पट्टी रेडी की है उसमें भी डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, और पिन को निकाल देते हैं। अब इसे इस तरीके से इसमें डाल के अंदर की साइड में इसमें हम हाथ से नॉट भी लगा सकते हैं सिंपल, आप अगर गांठ लगाना चाहो तो, या फिर आप मशीन से सिलाई लगाना चाहते हो तो मशीन से भी लगा सकते हो। तो मैं मशीन से ही लगा देती हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम मशीन से कर सकते हैं। आप इस रबर बैंड को हाथ से भी रेडी कर सकते हो, हाथ से सिलाई लगाकर सुई धागे से। आपको सिलाई मशीन की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ज़्यादा सिलाई नहीं आने वाली है इसमें। अब देखिए, जो खुला हुआ पार्ट है उसको भी हम पूरे को राउंड में सिल देंगे। आप इसे हाथ से भी सिल दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं जल्दी की वजह से इसको इसी से सिल देती हूँ ताकि आपको फास्टली दिखा सकूँ। तो देखिए, इस तरीके से आप इसे सिल देना। अगर आप सिलाई मशीन से सिलना चाहते हो तो हाथ से भी इसे सिल सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी आगे की लेटेस्ट वीडियो आएगी वो सीधे आपके पास आ सकेगी। तो देखिए, हमारा ये रबर भी रेडी हो गया है और ये जो हमने पट्टी रेडी की हुई है, जो नीचे हमने सिलाई लगाई है उसके ऊपर से आपको लेनी है और इसमें आपको एक गांठ लगा देनी है सिंपल, जो आप नॉर्मल लगाते हो बीच सेंटर में लेते हुए। और ये हमारी डिजाइनर रबर बैंड बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे सिंपल भी रबर बैंड की तरह यूज कर सकते हो, जो
ऊपर वाली है केवल वो, तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत ही हमारी रबर तैयार हो गई है। तो आप लोगों को पसंद भी आई होगी, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।